आप दोनों इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? छोटी मोटी नोकझोंक तो हर मियाँ बीवी के बीच में होती रहती है, दुआ और मुसजाब के बीच में भी हो गई है, इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। लेकिन जब तक तो कुछ पता नहीं चलेगा, तुम छुपाना क्या चाह रहे हो हमसे, बता क्यों नहीं रहे हो? अब्बा, आपने और अम्मा ने सारी जिंदगी एक दूसरे का पर्दा रखा है ना, आज तक कभी किसी को इस बात का पता तक नहीं चला कि आप लोग का झगड़ा कब हुआ, लड़ाई कब हुई, किसी तीसरे बंदे को पता ही नहीं चला। मैं और दाई इतने बड़े हो गए, हम दोनों को आज तक आप दोनों की किसी भी नाराजगी की कोई वजह पता नहीं चली। क्या मैं गलत कह रही हूँ? ठीक, लाइफ पार्टनर एक दूसरे का पर्दा रखते ही मैंने आप दोनों से ही सीखा है, इसलिए जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती मैं इस बात को छुपा के रखना चाहती हूँ। जब मुझे बेहतर लगेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। चलें जी, बात ही खत्म, हम खामखा परेशान हो रहे थे, यहाँ तो पर्दा रखा जा रहा है। अरे भैया, आप लोग क्या इसी के बारे में सोचते रहेंगे या कुछ मुझ गरीब पर भी नजर करम होगी? कोई मंगनी, कोई निकाह, कोई तकरीब, कुछ तो। सब खैर तो है बरखुरदार, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही दुआ? अच्छा चले, अभी सोते हैं और शहरी में मुलाकात करते हैं। बदमाश, कितना छुपा रुस्तम है, मैं भी पूछती हूँ उसको जाके। शहरी में क्या खिला रही हैं आज आप? वही जो रोज होता है। दाई? दाई के बच्चे। छोड़ूंगी नहीं। ऐसे नहीं छोड़ने वाली तुम्हें। दाई के बच्चे। होने तो दो। पुप्पो जान के इतने खतरनाक है साहिब? पुप्पो जान अभी से, ओहो क्या चक्कर है, तुम सीरियस हो? हाँ तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इस मामले में मजाक करूंगा? तुम मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो अब बता रहा हूँ ना। कौन है वो? लड़की है, सच में। अच्छा, ऐसे नहीं मानोगे ना? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट बताता हूँ। हाँ।